ना धीरता ना रे ये चाबी कहां की है? ये लक्ष्मी के मायके की है। चोरनी ला अंगूठी निकाल। ए चोरनी अंगूठी कहां छुपा रही, निकाल। लीजिए मत लीजिए, क्यों? ये मेरी सगाई की अंगूठी है। देखिए, ये हमारी प्यार की निशानी है। मत लीजिए। जब गरीबी की मार पड़ती है ना, तो प्यार की निशानियां ही बिकती हैं। और वैसे भी ये निशानी तो करोड़ों की होगी। जल्दी निकालो अंगूठी। चलो चलो खाली करो।
गेट बंद करवा दीजिए दोनों। कोई फोन नहीं उठा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक जगह है माँ। कहाँ? कहाँ? सनातन नगर, लक्ष्मी के बाबूजी का घर। बर्बाद हो गए पूरी तरह। अरे गए महीने में तीन तीन गाड़ियों में आया करते थे सनातन नगर, और अब देखो घर बार सब सील हो गया। टैक्सी की नौबत आ गई। नाम लक्ष्मी और क्या किस्मत पाई, धनवानों को रोड पर लिया। इसमें बिचारी लक्ष्मी का क्या दोष है, उसकी बहन उससे जलती होगी, इसलिए अपने पति से कहकर ये सब करवा दिया। नहीं नहीं, सरस्वती ऐसी नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। छोड़ो, अब इन बातों में क्या रखा है। ये क्या कह रही है मौसिया, लक्ष्मी वहाँ है? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा, वरना मैं पहले ही आ जाती। आप घबराइए मत, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जी जी हाँ, देखिए मुझे उस प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट है, अगर हो सके तो आप किसी और को मत दिखाइएगा। मैं कल ही अपनी पत्नी के साथ आकर घर देख लूंगा, और अगर सब ठीक रहा तो वही की वही डील फाइनल कर देंगे। जी जी ओके, थैंक यू। सरस्वती, तुमने तो कहा था कि तुम आराम कर रही हो, ये डब्बा और सब क्या है? विशाल जी वो तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, लाओ ये मुझे दे दो। जी अभी आप किसी से घर लेने की बात कर रहे थे। देवी जी, आपके पति को जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है ना, इसीलिए एडिटर साहब ने खुद होम लोन सैंक्शन करवा के दिया है। यही नहीं, आज मेरी सक्सेस में एक बहुत बड़ी पार्टी भी है।
तो आप ये डब्बे वब्बे छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें पार्टी में जाना है। क्या हुआ सरस्वती, ना घर की खुशी ना पार्टी की? सविता मौसी का फोन आया, लक्ष्मी और उसके परिवार वाले सनातन नगर रहने गए। विशाल जी प्लीज, अब तक जो कुछ हुआ उसमें मैंने आपका साथ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इस कंडीशन पे हंसे। मैं मानती हूँ आपने आपकी ड्यूटी पूरी की, लेकिन विशाल जी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग हमारे परिवार का एक हिस्सा है। आपने एक जर्नलिस्ट का फर्ज निभाया, लेकिन अब लक्ष्मी की बड़ी बहन होने के नाते उसके इस मुश्किल समय में साथ देकर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ये डब्बा मैंने उसी के लिए पैक किया, लक्ष्मी से मिलने जा रही हूं मैं। I'm sorry, सरस्वती, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, हम जो सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा वही हो जाता है। खैर, तुम अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हो ना, जरूर जाओ, लेकिन कल। अरे आज मेरी सक्सेस में इतनी बड़ी पार्टी है, अगर तुम ही नहीं होगी सरस्वती तो क्या मतलब है? प्लीज सरस्वती, कल चली जाना, तुम कहोगी तो मैं खुद तुम्हें कल छोड़ने आऊंगा। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। मैं भी तो देखूं उनकी बर्बादी का जश्न। दादी आइए। पापा आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ अच्छी हवा आती है, मैं पंखा भी चला देती हूँ। एक मिनट, मैं सबके लिए पानी लाती हूँ। लक्ष्मी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते चाची, नमस्ते मौसी। बेटा कल अखबार में गोलू ने खबर पढ़कर सुनाई, सुनकर बड़ा बुरा लगा बिटिया। सब प्रभु इच्छा, तुम चिंता मत करना, और हाँ तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने ससुराल वालों का ध्यान रखो। हाँ लक्ष्मी, विनोद बाबू नहीं है तो क्या हुआ, आप सब सनातन नगर के मेहमान हो। मैं अभी खाना बना के भेज देती हूँ। नहीं नहीं चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं, खाने का सारा सामान घर पर है, मैं फटाफट बना दूंगी। वो क्या है ना, घर बहुत दिन से बंद था तो पानी नहीं, आप पानी भिजवा दीजिए। हाँ बिटिया, हम अभी पानी भिजवा देते हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, हिचकिचाना मत। और बिटिया सबके साथ अच्छा बुरा समय आता है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अच्छा बिटिया, हम पानी भी भिजवाते हैं।
आज के बाद तुम्हें कोई काम नहीं करना है, ना ही खाना बनाना, ना ही और कुछ। हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ किचन में जाकर सुपरवाइज करना। पापा, आप कुर्सी पर ही बैठिए, मैं खाना वहीं ले आती। क्या खाना बना है, खाओ ना। कितने घंटों के बाद हम सब आराम से बैठ के खा रहे हैं, खा। सौम्या, इतना कुछ हो गया पर तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया। ऐसी है तुम्हारी दोस्ती अर्जुन? बेटा वो क्या है ना कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम कुछ सोच ही नहीं पाए। तो ठीक है, अब सीधे मेरे साथ आप लोग मेरे घर चलिए। मेरे घर का रेनोवेशन भी पूरा हो गया, जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती आप लोग प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, जब मेरा घर रेडी नहीं हुआ था अंकल ने मुझे एक बार कहा था अग्निहोत्री मैंशन आके रहने को, और मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई थी। तो बस ये भी तो कुछ ही दिनों की बात है ना, जैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी आप लोग अपने घर चले जाना। क्यों, हम क्यों कहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे मेरे पावजी के घर। दो तीन दिन में जैसे हमें कोई घर मिल जाता है हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी सब कुछ तो एक नए सिरे से शुरू करना, शुरू से। पर शुरू से करने के लिए भी कोई सपोर्ट की तो जरूरत होती है ना। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम एक बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हो, लेकिन बिजनेस के लिए यू नीड मनी, और मैं तुम्हारे टैलेंट पर अपना पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ।
माय मनी एंड योर ब्रेन्स। पार्टनरशिप ऑफर कर रही हूं मैं तुम्हें 50% की। ना धीरता ना रे।